Hi everyone, so this is the tutorial of SQL for the class 12 CS and IP और ये first part है SQL tutorial का, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि SQL language होता क्या है और हम उसको किस platform पे use करने वाले हैं. So let's start. So देखिए, structured query language ये किसकी full form है? SQL की. ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड बाय अ मेजर रिलेशनल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज माई एसक्यूएल, ओरेकल एंड एसक्यूएल सर्वर एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जो एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. आपके सिलेबस में कौन सा है? माई एसक्यूएल, जो आपको यूज़ करना है और उसके साथ आपको एसक्यूएल सीखना है माई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए. सो नेक्स्ट, यही डिफरेंस मैं आपको शो करूंगी कि माई एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल क्या होता है. सो माई एसक्यूएल इज अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउ अस टू क्रिएट एंड मैन्युपुलेट द डेटाबेस. आपको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है वो है माई एसक्यूएल. एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डेटाबेस. आप माई एसक्यूएल प्लेटफॉर्म को जब यूज करेंगे और उसके अंदर जब आप वर्क करेंगे तो उसमें वर्क करने के लिए जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है दैट इज एसक्यूएल, की हेल्प से आप डेटाबेस को क्रिएट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज एसक्यूएल जो हमारे पास लैंग्वेज है वो जब हम यूज करते हैं उसके जो सेंटेंसेस हैं या उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके कमांड्स हैं, वो लिखने में या पढ़ने में इतनी सिंपल इंग्लिश वर्ड्स की होती है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है हमारे लिए. और ये केस सेंसिटिव भी नहीं है, आप इसको अपर केस या लोअर केस में अगर लिखेंगे तो भी हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है. जब भी आप माई एसक्यूएल के अंदर वर्क करते हैं और एसक्यूएल की हेल्प से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए आप एसक्यूएल की बहुत सारी कमांड्स को पहले सीखते हैं, तभी आप डेटाबेस को क्रिएट कर पाते हैं. सो नेक्स्ट इज, जब भी आप एसक्यूएल को यूज करके डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि डेटाबेस क्या होता है. तो डेटाबेस एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं कि जो डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर पाते हैं. जब भी आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस के अंदर आप क्या क्रिएट करते हैं? उसके अंदर आप क्रिएट करते हैं रिलेशंस और टेबल्स. डेटाबेस जो है डेटा को स्टोर तो करता है बट इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और टेबल्स में वो स्टोर करता है. और जब आप एक टेबल क्रिएट करते हैं उस टेबल के अंदर आप क्या क्रिएट करते हैं? बहुत सारे कॉलम्स को क्रिएट करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. आपको जितना भी रिक्वायर्ड रहता है उतने कॉलम्स को क्रिएट करते हैं. जब भी आप कॉलम्स को क्रिएट करते हैं, कॉलम या एट्रीब्यूट इज द सेम थिंग. जब भी आप कॉलम या एट्रीब्यूट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? डेटा टाइप्स को यूज करते हैं. जो भी कॉलम आप क्रिएट करने वाले हैं वो पर्टिकुलर कॉलम किस तरह का डेटा स्टोर करने वाला है वो डिपेंड करता है आपने क्या डेटा टाइप चूज किया है, उसी के अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर कॉलम डेटा स्टोर कर पाएगा. सो नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल. इसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, उस टेबल का नाम मैंने रखा है स्टूडेंट और इसके अंदर मैंने फोर कॉलम क्रिएट किए हैं. फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर, सेकंड इज नेम, थर्ड इज क्लास एंड फोर्थ वन इज मार्क्स. सो मैंने फोर कॉलम्स के अंदर क्रिएट किए. हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस टेबल? सो फर्स्ट रो इज रोल नंबर वन एंड सेकेंड जो रो है वो है रोल नंबर टू की. तो इसके अंदर रोज कितनी है हमारे पास? रो है हमारे पास टू और कॉलम कितने हैं हमारे पास? दैट इज फोर. सो रो को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड ऑफ द टेबल भी बोलते हैं और कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल भी बोलते हैं. ठीक है, और टेबल को क्या कहते हैं? अनदर नेम ऑफ द टेबल इज रिलेशन. सो नेक्स्ट इज, जब भी आप एक रिलेशन क्रिएट करेंगे या फिर उस रिलेशन के अंदर कॉलम्स को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? सो हमारे लिए रिक्वायर्ड है डेटा टाइप्स. हमें डेटा टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए, इसी की हेल्प से ही हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को एक कॉलम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि एक एट्रीब्यूट किस तरह की वैल्यू को होल्ड करने वाला है, उसको डिफाइन करता है डेटा टाइप. सो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो सबसे पहले इसकी पहले टाइप को देखते हैं. सो सबसे पहली टाइप है कैर. कैर डेटा टाइप कब यूज होता है? कैर डेटा टाइप तब यूज होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स को स्टोर कराना चाहते हैं. अज्यूम दैट यू हैव अ टेबल स्टूडेंट, यू वांट टू क्रिएट दैट टेबल स्टूडेंट और उस टेबल के अंदर आप थ्री एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना चाहते हैं. फर्स्ट इज रोल नंबर, सेकेंड इज नेम एंड फोर्थ थर्ड वन इज मार्क्स. सो रोल नंबर के अंदर तो सिर्फ होल नंबर्स आएंगे. नेम के अंदर कैसा डेटा आ सकता है? कैरेक्टर्स वाला डेटा आ सकता है.
तो जब भी आपके कॉलम में ये रिक्वायर्ड है कि सिर्फ आप कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना चाहते हैं, उस टाइम पे आप कौन सा डेटा टाइप चूज करेंगे, आप कैर को चूज करेंगे. कैर की पैरेंथेसिस के साथ एन डिफाइन किया जाता है. सो व्हाट इज द एन? सो एन क्या है? एन ये लेंथ को डिफाइन करता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर कर पाएगा. जो भी एन की वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम उतने ही कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा. सो कैर डेटा टाइप की जो रेंज है वो कितनी होती है? 0 से लेके 255 कैरेक्टर की इसकी रेंज होती है. ये इतने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है एक कॉलम के अंदर. सो इसके आगे एक लिखा है कैर इज ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ. मतलब कैर की जो टाइप होती है या जो उसका नेचर होता है वो फिक्स्ड लेंथ का होता है. ऐसा क्यों बोला गया है? अगर आपने एक कॉलम को क्रिएट करने के टाइम पर लिखा है कैर और ब्रैकेट में लिखा है 5, राइट, आप चाहते हैं कि उस कॉलम के अंदर 5 कैरेक्टर स्टोर हो जाए. सो 5 कैरेक्टर्स अगर आपने मैक्सिमम रेंज रखी हुई है, आपने क्या किया, उसमें से 5 स्पेसेस में से आपने कितनी यूटिलाइज की? ओनली 2, और 3 स्पेसेस अभी भी फ्री हैं. सो ये 3 स्पेसेस जो है ये कोई और डेटा टाइप यूज कर सकता है, कोई और नंबर हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं या मेमोरी को फ्री करा सकते हैं, पर कैर ऐसा नहीं करता है. कैर क्या करता है? अगर आपने 2 स्पेसेस यूटिलाइज की है, 3 स्पेसेस अभी भी फ्री हैं, वो उसको फ्री नहीं करेगा, अपने पास ही रखेगा, वहां पे स्पेस को रखेगा बट उन पर्टिकुलर प्लेसेस को फ्री नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 प्लेसेस भी उसी की हैं. इसी नेचर की वजह से कैर की टाइप को फिक्स लेंथ भी कहा जाता है, राइट. सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेटा टाइप इज वेरकैर. वेरकैर डेटा टाइप कब यूज किया जाता है? वेरकैर हम तब यूज करते हैं जब हम ऐसा डेटा स्टोर कराना चाहते हैं जिसके अंदर नंबर्स भी हों, कैरेक्टर्स भी हों, कोई सिंबल भी हो. अल्फान्यूमेरिकल डेटा को स्टोर कराने के लिए हम वेरकैर को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू स्टोर अ वैल्यू A1, ओके, इन दिस वैल्यू वी हैव 1 कैरेक्टर एंड 1 नंबर. सो अगर आप इस तरह के डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं, जो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, अल्फा न्यूमेरिक की कैटेगरी में आएगा, तो इस तरह के डेटा को स्टोर कराने के लिए हम वेरकैर को यूज करेंगे. वेरकैर के साथ भी आपको साइज को मेंशन करना पड़ता है. साइज जितना भी आप मेंशन करेंगे, वेरकैर उतने ही कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाएगा. वेरकैर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? वेरकैर की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 65,535 कैरेक्टर्स वो स्टोर कर सकता है. वेरकैर का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वेरिएबल लेंथ का होता है. वेरकैर का नेचर वेरिएबल लेंथ का होता है. इसका मतलब कि ये कैर के जैसा नहीं होता है. कैर का नेचर कैसा होता है? फिक्स लेंथ का होता है. और वेरकैर का नेचर कैसा होता है? वेरिएबल लेंथ का. इट मीन्स कि वेरकैर के साथ अगर आपने साइज को 30 मेंशन किया है और उस 30 में से आपने सिर्फ यूज की है 20, 30 में से आपने यूज की है 20 और 10 स्पेसेस अभी भी फ्री पड़ी हुई है, वो 10 स्पेसेस वेरकैर क्या करेगा? अगर आपके डेटा ने उन 10 स्पेसेस को यूटिलाइज नहीं किया है, सो दीज 10 स्पेसेस आर फ्री बाय द वेरकैर डेटा टाइप. इट मीन्स वेरकैर उसे फ्री कर देगा और वो स्पेसेस कोई और वैल्यू के लिए यूटिलाइज कर लेगा मेमोरी, ठीक है. सो इसका मतलब कि जितना डेटा आपने एंटर किया होता है, वेरकैर की लेंथ उतनी ही हो जाती है, पर मैक्सिमम आप मेंशन कर देते हो ब्रैकेट के अंदर कि मैक्सिमम ये 30 स्टोर कर सकता है. 30 से कम स्टोर, जितने भी आप कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हो आप करा सकते हो. फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू की लेंथ उतनी ही हो जाएगी जितना आपका डेटा होगा. इसी नेचर की वजह से वेरकैर को वेरिएबल लेंथ कहा जाता है. नेक्स्ट इज इंट डेटा टाइप. सो इंट डेटा टाइप कब यूज करते हैं? इंट डेटा टाइप हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराना होता है. इंटीजर मतलब होल नंबर्स को स्टोर कराना होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू स्टोर 24, यू वॉन्ट टू स्टोर 30, यू वॉन्ट टू स्टोर 100. सो दीज आर द होल नंबर्स. इफ यू वॉन्ट टू स्टोर दीज होल नंबर्स, सो उस केस में आप जो डेटा टाइप चूज करेंगे वो होगा इंट. ओके, सो इंट का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है? 4 bytes. और इंट का रेंज कितना होता है? ये रेंज इसकी यहाँ पे डिफाइंड है. इतने पर्टिकुलर नंबर इंट स्टोर कर सकता है, पर अगर आप बहुत बड़े, इससे भी बड़े नंबर्स को स्टोर कराना चाहते हैं, लार्जर नंबर्स को स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेटा टाइप यूज करेंगे बिग इंट, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 8 bytes, राइट. सो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोट. फ्लोट डेटा टाइप क्या करता है? फ्लोट डेटा टाइप कैन स्टोर डेसिमल नंबर्स. ओके, डेसिमल नंबर का मतलब जिसके साथ पॉइंट वाली वैल्यू कोई होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 45.36. ओके, सो ये वैल्यू, अगर इस तरह की वैल्यूज आप
45.36 अगर आप स्टोर कराना चाहते हो तो उसके लिए आप फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हो. फ्लोट डेटा टाइप की कैपेसिटी कितनी होती है? फ्लोट की कैपेसिटी होती है 4 bytes. नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं. सो नेक्स्ट इज डेट डेटा टाइप. डेट डेटा टाइप के अंदर जो इसका फॉर्मेट है उसको आप ध्यान से देखिए. इसके फॉर्मेट में आपको YYY मींस कि आपको ईयर पहले मेंशन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 4 digits हैं. उसके बाद आपको मेंशन करने पड़ेगा MM, दैट इज द मंथ, जो होगा 2 digit का. मंथ के लिए 2 digit हमारे पास है. उसके बाद आपको डेट देखनी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी, तो जिसके लिए हमारे पास डिजिट है 2. ठीक है, जो भी डेट आप लिखेंगे उसको आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे. सिंगल कोड्स में आपको हमेशा अपनी डेट को यहाँ पे स्टोर कराना है. रेंज है इसकी, मिनिमम रेंज ये है और मैक्सिमम रेंज इतनी है. इस रेंज के इन बिटवीन ही आप डेट को स्टोर करवा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है SQL की कमांड की क्लासिफिकेशन. देखिए, हम SQL को सीख रहे हैं. SQL एक लैंग्वेज है जिसको हम सीख रहे हैं और जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे. पर SQL को सीखने के लिए उसकी कमांड्स की नॉलेज होना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और SQL की कमांड्स को इन 4 categories में डिवाइड किया गया है. राइट, सो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज DDL, दैट मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सेकंड वन इज DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. थर्ड वन इज DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. एंड फोर्थ वन इज TCL, दैट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. सो हम सबसे पहले जो आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम शुरुआत करने वाले हैं जिसकी, दैट इज DDL. DDL कमांड्स क्या करती है इसको देखते हैं. सो DDL कमांड्स जो है वो ऐसा टास्क परफॉर्म करती हैं जिससे हम अपने डेटाबेस या अपने टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं. टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, या फिर कोई एक ऐसा नया ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो कमांड्स यूज की जाती हैं उनको DDL कमांड्स कहा जाता है. DDL कमांड्स के अंडर कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो हमारी मदद करेंगी? दैट इज क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड एंड ड्रॉप कमांड. इन कमांड्स की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम डेटाबेस को या फिर टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 commands हम स्ट्रक्चर के साथ वर्क करेंगे. इन तीनों कमांड्स की वर्किंग और इन तीनों कमांड्स की एग्जीक्यूशन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी. अगर आपको ये 3 commands सीखनी है तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा. सो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा. थैंक यू सो मच.